बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग में मेरे साथ मौजूद हैं एक नौजवान मोहम्मद तलहा। ये मेरे पास आए कि छाती में बोझ है, घुटन है, दबाव है, मुझसे चला नहीं जा रहा, अजीब अजीब ख्यालात कि मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, मैं तो नौजवान हूँ। जिस तरह नौजवानों के जहनों में बातें आती हैं कि अगर हमें दिल की तकलीफ़ हो गई है तो फिर हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। बहरहाल मैंने इनको पूरा एग्जामिन किया तफसील के साथ, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इनको दिल की बीमारी नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने आप को ये समझ रखा है कि मुझे बस खुदा ना खास्ता दिल की बीमारी हो गई है और अब मैं इस दुनिया में ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहूँगा। हंसी मुझे यूँ आती है कि एक तरफ ये एक्सट्रीम है और एक तरफ हमारे वो नौजवान हैं जो सिगरेट, अल्कोहल, आइस, कोकेन, न जाने क्या कुछ इस्तेमाल करते रहते हैं और अलामत होने के बावजूद, दिल की बीमारी होने के बावजूद वो अपने दिल की सेहत पर तवज्जो नहीं देते। जबकि तलहा जैसे लोग जब अपने बारे में इतना कंसर्न इनको है, जैसा आई एम श्योर ये लोग 100 साल की उम्र के अंदर भी ऐसे एक्टिव होते हैं कि आप इनकी सेहत पर रश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है तला, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र यार, हंस के तो दिखाओ ना, थोड़ा सा तो हंसो यार। हाँ, क्या हुआ था बताओ? बस यही, कुछ वीडियोस देखते थे तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हुए, कभी यहाँ पे दबाओ, कभी यहाँ पे दबाओ, तो वो बस उसको गूगल पे सर्च करना शुरू किया। गूगल से होते होते यूट्यूब पे आ गए, वहाँ से डिफरेंट जो लोग आजकल यूट्यूबर्स हैं उनके चीज़ों को स्टडी किया, तो जो सिम्टम मैं देखता था अगले दिन वही मुझ पर इम्प्लीमेंट हो जाता था ऑटोमेटिकली। अच्छा, यानी आज अगर मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे जबड़े में भी दर्द होती है तो अगले दिन मुझे सुबह इधर जबड़े में भी दर्द हो रही है। अच्छा, फिर दोनों जगह हो रही है। अच्छा, फिर इधर ऊपर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, फिर कानों में भी हो रही है। अच्छा, फिर हर जगह मुझे वो चीज़ फील होने लग गई। अच्छा, तो ये है कि उसके बाद मैंने काफ़ी दफ़ा ECG वगैरह भी करवाई काफ़ी डिफरेंट जगहों से। जब मुझे कहीं सुकून नहीं मिला तो फिर आखिर में आपके पास आया सब कुछ देख के, तो आपने जब मेरी तसल्ली करवाई तो फिर मुझे थोड़ा हौसला हुआ कि वाकई मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि एक और मसला भी है ना आजकल कि अगर आप लोगों को दिल के बारे में बताते हैं तो बाज़ हसास लोग जो होते हैं ना जी, वो उन्हीं अलामात को अपने ऊपर डालना शुरू कर देते हैं जैसे आपने किया। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। बहरहाल, तो आप करते क्या हैं? मैं मीडिया में जॉब करता हूँ। अच्छा जी। अच्छा, खुद मीडिया में भी हैं आप? जी, मीडिया में। अच्छा, तो कहाँ से आपका ताल्लुक, कहाँ से आपका? मेरा ताल्लुक बेसिकली तो वैसे इस्लामाबाद से है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन रहाइश मेरी लाहौर में है। अच्छा जी। शादीशुदा है? नहीं, शादीशुदा नहीं। फिर शादी करवा लें आप? शादी करवाएं, इंशाल्लाह आपके आधे मसाइल वैसे ठीक हो जाएंगे। चले, आपकी हदायत पे अमल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। अच्छा, वालदैन में या बहन भाइयों में दिल की बीमारी है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी को नहीं। अच्छा, महसूस क्या होता था? क्योंकि सांस खराब होता था, धड़कन तेज होती थी या दर्द ही शुरू हो गई? जो आपने अलामत सुनी वही आपने अलामत अपने ऊपर तारी कर? बस पहली दफा जो अलामत शुरू हुई थी ना मुझे, वो इधर हल्की सी दर्द हुई थी यहाँ पे, तो उसके बाद मैं जिस तरह इंटरनेट को सर्च करता गया, कभी फिर वो मुझे चेस्ट में पेन शुरू हो गई, कभी किधर शुरू हो गई, कभी किधर शुरू हो गई, बस वही मैं सर्च करता करता डरता गया, कभी किसी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कभी कहाँ ECG करवा रहा हूँ। मैंने तो 3-4 स्पेशलिस्ट के पास भी चला गया, उनसे भी टेस्ट करवाए, उन्होंने मुझे तसल्ली दी, लेकिन मुझे किसी से तसल्ली नहीं हुई। इसीलिए मैं आपके पास आया एंड पे, कि मुझे बाकी किसी जो मुतलका यानी कि डॉक्टर हो वो मुझे इस चीज़ के हवाले से श्योरिटी देंगे, तो फिर मुझे कोई तसल्ली होगी। अच्छा, होता यह है वैसे, जिस तरह तलहा ने कहा कि इनको बाजू में दर्द होता है और ये मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास गए और उन्होंने कहा कि आपको कुछ भी नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हिस्ट्री क्या कहती है। अगर तो तेज़ चलने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से, खाना खाने के बाद तेज़ चलने से, गुस्से की कैफियत में, जज्बाती कैफियत में, अगर यहाँ बोझ महसूस होता है, यहाँ पर बोझ महसूस होता है, यहाँ पर होता है, पसीना आता है, सांस ख़राब होता है, धड़कन तेज़ होती है, चक्कर आते हैं, कमज़ोरी होती है, और आराम करने से ये चीज़ ठीक हो जाती है, इसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये, आपके साथ मसला क्या है? बैठे बैठे ये दर्द हो गया। बिल्कुल ऐसे, ये दर्द हो गया, ये दर्द हो गया, ये दर्द हो गया। ये जो वॉन्डरिंग दर्द होते हैं ना जी, ये दिल के नहीं होते,
यहाँ पर बहुत अहम बात है, मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहूँगा। एक खातून हमारे पास आती थी, उनकी एज 30 साल थी। वो जब ऑफिस वर्क करती ज़हनी दबाव में आती, शदीद कस्म के दिन तो उनकी छाती भारी हो जाती थी और बाजू भारी हो जाता था। वो लाहौर के बड़े बड़े अस्पतालों में गई, दिन वार्ड तक में गई। सब ने कहा बीबी आपको वैसी घबराहट होती है, कुछ भी नहीं है, पट्टे का दर्द है। और एक दिन वो खातून, उनको जब ऐसी कैफियत दोबारा हुई वो कलेप्स कर गई, उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया, उनको शॉक दिए गए। जब उनके इमरजेंसी एंजियोग्राफी की गई तो पता चला कि उनके मेन शरियान एलईडी में तंगी आ रही थी। उसी वक्त उनको इमरजेंसी में बेयर मेटल स्टेंटिक होता है तो वो डाल दिया गया। उसके बाद फिर उनकी काफ़ी पेचीदगियाँ हुई, वो फिर हार्ट फेलियर में चली गई, उनके दिल के पट्टे कमज़ोर हो गए। वो एक लंबी कहानी है, बताने का मकसद ये है कि हिस्ट्री क्या कहती है। जिस तरह तलहा की हिस्ट्री है ना, इसी तरह हमारे पास जो नौजवान आते हैं कार्डियोलॉजी वार्ड में या जो दिल के अस्पताल होते हैं, उनमें अक्सरियत ये कहती है कि मुझे बैठे बैठे यहाँ पर चुभन होती है, सांस नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। ये जो चीज़ है ना, ये दिल का सांस नहीं होता, ये हाइपर वेंटिलेट इंसान करता है, एंग्जाइटी का शिकार है। ठीक है, जो दिल का मरीज़ होता है ना, जिसको दिल का मसला हो, फेफड़ों का मसला हो, वो जब चलता है तो उसका सांस फूलता है, सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है। लेकिन इन लोगों की सांस की रफ्तार एंग्जाइटी में ठीक है हो सकती है, लेकिन इनकी सांस की रफ्तार तेज़ नहीं होती। तो जब मैंने इनकी पूरी हिस्ट्री ली तलहा की, तो मालूम हुआ कि इन्हें दिल की बीमारी का खौफ बैठ गया है। तलहा, ये अलामत कब शुरू हुई थी आपको? सर ये कोई 6-7 महीने पहले। अच्छा, उससे पहले बिल्कुल ठीक थे? मैं बिल्कुल ठीक था। इसका मतलब ये है कि जो सोशल मीडिया पर हम लोग जो वीलॉग्स करते हैं, हमें ये बात ज़रूर बतानी चाहिए, बल्कि मैं तो अपने अक्सर प्रोग्राम में बताता रहता हूँ कि देखें दिल की बीमारी और होती है, ठीक है जी, लेकिन हर दर्द जो सीने में होता है वो दिल की वजह से नहीं होता। ऐसे ठीक है, लेकिन वो हिला देता है बंदे को। ये तो फैक्ट है। वैसे ये जो दिल का दर्द होता है, जो दिल की नाली की तंगी की वजह से होता है, खुदा ना खासा जिसको हम एंजाइना कहते हैं या हार्ट अटैक कहते हैं, वो तो बहुत शदीद होता है। लेकिन हमारे फेफड़े भी हैं, हमारे खुराक की नाली भी है, मेन शरियान एओर्टा भी है, पीछे रीढ़ की हड्डी, उसकी वजह से भी हो सकता है, मैदे का मुँह भी है, वो भी आ सकता है जी। जो फेफड़ों के बाहर झिल्ली है उनका मसला भी हो सकता है, फेफड़ों के अंदर क्लॉट आ जाए, एम्बोलिज्म, उसकी वजह से भी हो सकता है। जो मेन एओर्टा है, अगर इसमें गुब्बारा बन जाए या अगर एओर्टा फट जाए, उसके अंदर भी पेन हो सकता है। तलहा, आप चूँकि मीडिया के आदमी है ना, तो आपके तवस्सुत से मैं एक बात और लोगों को कहना चाहूँगा कि आजकल लोग बेशुमारी व्लॉग्स करते हैं। कोई साहब ये कहते हैं कि अगर आपको हार्ट अटैक हो रहा है तो आप ये तरीका इख्तियार कर लें, अगर आपको छाती में दर्द हो रहा है तो आप ये तरीका इख्तियार कर लें तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। आपने भी ये बात लोगों को शेयर करनी है, ये लोगों को आपने लाजमी बात बतानी है कि सीने में पैदा होने वाला हर दर्द हार्ट अटैक का दर्द नहीं होता। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। इसमें बेशुमार वजूहात हो सकती हैं जी, जिसका इलाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए जब भी छाती में दर्द होता है, बजाय इसके कि हम घर में टोटके आजमाएं, हम सोशल मीडिया पर दस्तियाब नुस्खों पर अमल करें, हम सोशल मीडिया में जाएं, हम गूगल पे जाएं, गूगल डॉक्टर से हेल्प लें, हमें फौरन जाना चाहिए नज़दीकी अस्पताल में, अपना मुआयना करवाएं, अपना मुआयना करवाएं। अब देखिए, आप फौरन डॉक्टर्स के पास गए ना, बिल्कुल आपकी तसल्ली हुई नहीं हुई वो और बात है जी, लेकिन कम से कम आपने उनको अप्रोच किया। अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई मसला होता, वो आपको उसी वक्त दाखिल करते और आपका इलाज करते। बिल्कुल, तो ये बात आपने लोगों के साथ लाजमी शेयर करनी है प्लीज़। बिल्कुल ठीक, कि सीने में पैदा होने वाले हर दर्द को हार्ट अटैक का दर्द ना समझें, और बाज़ औक़ात शदीद किस्म का ज़हनी दबाव भी जी लगता है कि जैसे मुझे हार्ट अटैक हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। सिगरेट पीते? नहीं सर, मैं नहीं पीता। अल्कोहल?
नहीं, वो तो कभी भी नहीं पी जिंदगी में। कोई और ऐसी चीज जो आपके दिल की सेहत को नुकसान पहुंचाए या जिस्मानी सेहत को नुकसान पहुंचाए? सिर्फ चाय पीते थे, वो भी छोड़ दी हुई अब तो काफी अरसे से। कितना चाय पीते थे? दिन में 2-3 कप। अच्छा। यानी एक दफा नाश्ते में, एक दफा दोपहर खाने के बाद, रात को अगर दिल किया तो पी ली, वरना नहीं। कॉफी? नहीं कॉफी नहीं। आप सहाफी हैं बुनियादी तौर पे? जी सहाफी हैं। आपने मैस कॉम किया हुआ है? जी बिल्कुल मैस कॉम किया। अच्छा गुड। तो पाकिस्तान में सहाफत का मेयार क्या है आजकल यार? पाकिस्तान में तो सहाफत सर आपके सामने ही है आजकल, जो भी है हर चीज डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रही है। अच्छा। यानी पहले ये होता था कि आप लोगों को उनकी क्रेडिबिलिटी जज करते थे कि किस मेयार का बंदा है, कितना क्रेडिबल है, जिसना पहले साफ़ी होते थे पुराने ज़माने में। अगर वो कोई खबर ब्रेक भी कर देता था फॉर एग्जांपल, तो आप उसकी शक्ल पे यकीन कर लेते थे कि भाई ये बंदा इतना क्रेडिबल है कि हम इसकी बात पे यकीन कर सकते हैं। अच्छा। बेशक वो उसका प्रूफ आपको प्रोवाइड करे या ना करे। अच्छा। जितना मर्जी बड़ा साफ़ी हो, वो आपको जो भी बात करे, छोटे से छोटा बंदा भी यही कहेगा कि ये बंदा झूठी बोल रहा है। ये क्रेडिबिलिटी रहेगी मीडिया। वजह क्या हुआ है सर? इसकी वजह ये हुई है कि देखें, आपके एक तो जो मीडिया का स्कूल है ना, और एक पूल है, वो बहुत बढ़ गया है। अनगिनत जब एक फील्ड में बंदे आएंगे, फिर उनके ताल्लुकात बनेंगे, वो लोगों के साथ अटैच्ड होंगे, वो फिर फॉल्स जितनी न्यूज होती है ना, वो टोटली ऐसे ब्रेक करते हैं। यहाँ पाकिस्तान में तो कुछ और सिलसिला है, बाहर तो ये रूल है कि अगर एक सहाफ़ी किसी भी हवाले से कोई न्यूज़ ब्रेक करता है, इंग्लैंड का लॉ भी यही है कि अगर कोई भी न्यूज़ वो ब्रेक करता है, अगर उसके पास उसका प्रूफ नहीं है, तो वो 10 साल की कैद का उस पर जुर्माना अलहदा होगा, और 10 साल की कैद व मुशक्कत भी काटेगा वो। अच्छा। तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बड़ा साफ़ी या छोटा साफ़ी किसी भी बंदे पे कोई खबर ब्रेक कर दे, अब वो बंदे की तो करेक्टर असैसिनेशन हो गई है। अच्छा बात यह है, मेरा ख्याल है तला हर शोबे में ऐसा हो रहा है यार, तकरीबन हर शोबे में ऐसा हो रहा है। आप हमारे शोबे में देख लें कि अब यहाँ पर मैं सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ, ऐसे ऐसे बुलंदो बांग दावे किए जाते हैं कि हमारे पास आए, हम आपको जवान बना देंगे, हम आपके दिल को मजबूत कर देंगे, और बाज़ औक़ात तो अल्लाह माफ़ी दे, यानी कस्बे खा खा के लोगों को ये बातें बताई जाती हैं। आप अभी ये बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात से ही आगे बात बढ़ाता हूँ। अभी मैं कल ही एक अपने ही चीज़ों को लेकर आगे चल रहा था, तो फेसबुक पे एक बड़ा मशहूर, एक मैं उनका नाम तो खैर नहीं लेता, वो शहद बेचते हैं। अच्छा। शहद की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका पूरे ओवरऑल पंजाब में काफ़ी नाम। उन्होंने एक देसी टोटका बनाया हुआ है, जिसमें अदरक लहसुन कुछ इस तरह का मिक्सचर बना के वो ये दावे के साथ अपनी साइट पे और फेसबुक पेज पे इसको प्रमोट कर रहे हैं टोटली, कि आपकी एक शरियान बंद हो, 2 हो 3 हो, दिल के वॉल्व बंद। हालांकि उनको ये भी नहीं पता कि वॉल्व में और उसमें क्या देखे, यही बहुत बड़ी बात है। तो वो कहते हैं जो चीज़ बंद हो दिल में, हर बीमारी का ये मुकम्मल और मुजर्रब इलाज है, आप इसको इस्तेमाल करें। सुबह जिस तरह डॉक्टर आप हमें हिदायत करें, आप तो एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप मुझे बताएं कि आपने ये चीज़ सुबह खानी है, ये चीज़ शाम खानी, वो मुझे समझ आएगी, क्योंकि आप उस चीज़ के स्पेसिफिक डॉक्टर हैं। एक बंदा जो हकीम है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, वो मुझे कहिए आपने 2 चम्मच सुबह लेना खाली पेट, 2 चम्मच शाम लेना। आप हफ्ते बाद चलें तो अपने अंदर खुद सबसे बड़ी बात तला ये है, मेरे पास अभी एक साहब कश्मीर से आए, मेंबर से नौजवान है, वो भी कहने लगे मेरी वालदा को शुगर, वालदा उनकी दवाएं ले रही थी, गोलियां खा रही थी, लेकिन उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती थी। अब ये जो साहब है ये रहते हैं मीरपुर में और वालदा उनकी भिम्बर में रहती हैं, तो इन्होंने कहा कि जब मैं वीकेंड पर वालदा के पास जाऊंगा तो मैं उन्हें डॉक्टर साहब के पास लेके जाऊंगा, हो सकता है कि अब वो इनको इंसुलिन दें। बिल्कुल ठीक है। अनलकीली इनकी वालदा किसी ऐसे साहब के पास चली गई, सोशल मीडिया पर इश्तहार देख के उनके पास गई हैं, उन्होंने कहा बीबी आप किन चक्करों में पड़ी हुई हैं, इंसुलिन लगाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है आप इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं है, आप ये पुड़ियाँ खाएं। उन्होंने उनको पुड़ियाँ दी हैं, उन खातून ने 2-3 पुड़ियाँ खाई हैं, बेहोश हो गई, शुगर चेक की तो वो 700-800 पे जा रही थी, और 3 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। हम ये क्यों नहीं समझते? तलहा देखे, पैसा कमाने के बेशुमार जराए हैं, बिल्कुल जायज़ जराए, ठीक है ना, आप वहाँ से पैसा कमा सकते हैं जी। आप नौजवान हैं, आपके मुआशी मसाइल हैं जी, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप जॉब की तलाश में फिरते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे, क्यों नहीं अपना काम करते? मैं एक लड़के को जानता हूँ लाहौर में,
बैकलेट रोड पे उसके वालिद की डेथ हो गई थी। छोटा बच्चा था लेकिन अपने घराने का बड़ा था वो, ठीक है। ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जी जी, ये अपने घरों के बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ तुम मुझे 5 किलो की ना बिरयानी बना दो, ठीक है। माँ ने 5 किलो की बिरयानी बेहतरीन जायके की बना दी। वो लड़का गया और वहाँ पर मोटरसाइकिलों की दुकानें हैं मैकलोड रोड पे ना, मैकलोड रोड बिल्कुल। तो उसने किसी दुकानदार से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे बाहर यहाँ बैठने दें, मैं यतीम हूँ, मेरा काम चल जाएगा, तो ये मेरा जो भी होगा आप मुझसे पैसे ले लीजिएगा। हाँ बाहर वो नेक आदमी था, उसने उसको इजाज़त दे दी। तो अल्हा वो 5 किलो की बिरयानी उसकी 1 घंटे के अंदर बिक गई, ठीक है, चूँकि जायका बहुत अच्छा था, घर की बनी हुई थी। वो फिर दोबारा गया, वो फिर 5 किलो और बनवा के ले आया। वो 5 किलो से 10 किलो, 10 से 15-20 किलो दे गए। आज वो लड़का 3 बिल्डिंग्स का मालिक है। आप उससे जाके मिलें, ईमानदार बच्चा है, अखलाक का बहुत अच्छा है, हर चीज़ खालिस इस्तेमाल करता है, वक्त की पाबंदी करता है। आंधी हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, उसने वक्त पर आना है, बिरयानी बेचनी है, चले जाना है। हम ऑफिस के चक्कर लगाते रहते हैं, हम नौकरियों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन जिस दिन हम प्लान कर लें कि नहीं हमने रिस्क हलाल कमाना है, बिल्कुल सर, उसी दिन हम कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल सर ऐसे। और नतीजा क्या होता है तना, जब रोज़गार नहीं होगा तो फिर दूसरे गलत काम भी होने लगे। बिल्कुल ऐसे। मुझे एक ये बात बताएं कि आप अपनी उम्र के नौजवान लड़कों को क्या कहोगे कि आपने क्या करना है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, और ख़ास तौर पे वो जिनको तलहा जैसी अलामत हो रही है। देखें सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, आप इसकी कदर करेंगे तो ये भी आपकी कदर करेगी। अगर आप इसको ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म में ना आपको बेनिफिशियल होंगे, आपके घर वालों को तो वो हिट करेंगे किसी ना किसी तरह, आपके अपने लिए अच्छे नहीं हैं। और यही बात मैं आपसे कुछ देर पहले भी डिस्कस कर रहा था, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि देखें जब बंदा बीमार होता है ना, मेरी एग्जांपल ले लें, मैं बीमार होऊंगा वो दर्द ना मेरी माँ को होगा, ना मेरे बाप को होगा, ना मेरे भाई को, ना मेरी बहन, वो मुझे ही होगा। शाबाश। तो कल की जो आपको बीमारी यानी क्यों ना आप आज उसकी एहतियात करें। अपने गिर्द लोगों को आप डेली देखते हैं, कोई किधर एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई किसी बीमारी में फौत हो रहा है, अपने ख़ानदान में देखते हैं, अपने अहल वयाल में देखते हैं। तो अगर आप आज एहतियात करेंगे, कल अल्लाह ना करे आपको कोई ऐसी बीमारी हो, अगर हो भी तो आप अपने आप से उसको बचा लें, कि अगर आपके ऊपर ऐसी चीज़ आ भी सकती है आप उसको अपने आप से बचा लें। तो मेरी सबको यही राय है, यानी कि ब्रदरली एडवाइस सही है कि आप अच्छी खुराक खाएँ, नशों से दूर रहें, जितना दूर रह सकते हैं अपने प्यारों को भी दूर रखें। अगर कोई आपका दोस्त यार कोई बड़ा भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है आप उसको रिहैब में लेके जाएं। बिल्कुल सही है। उसका ये उसकी आदत ख़त्म करवाएं, क्योंकि ये आदत जितनी जल्दी ख़त्म होगी उतनी जल्दी वो बंदा रिकवरी स्टेट में आ सकता है। अगर वो बंदा इसमें और डूबता जाएगा ना वो वापस आ सकता है, ना आप उसकी ज़िंदगी को वापस लेके आएंगे कि अगर वो दुनिया से चला गया किसी भी इंसिडेंट। बेशक। यही मेरा मैसेज है सब दोस्तों। दोस्तों देखो तलहा अभी आप ही की एज का है, ठीक है ना, ना इन्होंने सिगरेट पी, ना इन्होंने अल्कोहल का इस्तेमाल किया, ना कोई आइस ली, अपने काम से काम रखा, माशाल्लाह बिजनेस भी अल्लाह ताला ने अच्छा दिया हुआ है, खूब तरीके से चला रहे हैं। तो आप सारे लोग, इन्हीं की उम्र के लोग, अगर आप सिगरेट पीते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, ये एक वक्ती आदत है। अगर आप गुस्सा करते हैं, अगर आपके दिल में किसी के बारे में इंतकाम है, अगर आपके दिल में हसद है, लालच है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस आदमी को छोड़ के मैं आगे चला जाऊं, देखें अल्लाह ने हर इंसान का नसीब रखा हुआ है, जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा, वो आपके सामने बैठा होगा, आपकी भी दुकान है, उसकी भी दुकान है, जितना उसके नसीब में है उसको मिलना है, जितना आपके नसीब में है आपको मिलना है। जब ये बातें आप अपने जहन में ले आते हैं ना, आपका जहनी दबाव कम हो जाता है, आपके स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाते हैं, आपका नॉर एड्रेनलिन कॉर्टिसोल कम हो जाता है, दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाती है,
दिल की नालियों में तनाव कम हो जाता है, जिस्म की नालियों में तनाव कम हो जाता है, वो खलिए जो लोथड़े बनाते हैं उनमें चुपकन जो बहुत ज़्यादा होती थी वो कम हो जाती है, लोथड़े बनने का अमल कम हो जाता है और आप एक बेहतर अंदाज में जिस्मानी तौर पर भी, ज़हनी तौर पर भी, नफ्सियाती तौर पर भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जब आप जिस्मानी तौर पर नफ्सियाती तौर पर सेहतमंद होंगे, आप में सोचने की सलाहियत आएगी, आप मुआशी हवाले से भी बेहतर होते चले जाएंगे और आप मुआशरे में एक बहुत अच्छे शहरी बन के अपना किरदार अदा कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया तलहा, आप आए मेरे पास। मैंने सोचा तलहा फॉलो अप के लिए मेरे पास आए थे कि क्यों ना तलहा की ज़बानी इनके दोस्तों को यह पैगाम पहुँचवाऊँ कि हर किस्म का नशा, चाहे वो सिगरेट का है, वो पान का है, तंबाकू का है, वो हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है, इनसे हमें बचना चाहिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है आपसे। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।